हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इतिहास में। दोस्तों, अभी आज हम चल रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो कि राजभाई वहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों, उस लोकेशन पे जो वहाँ बताया गया है कि वो कोई बच्चा है जो शैतान बन चुका है। दोस्तों, वो बच्चा जो शैतानी रूप में वहाँ पे, राजभाई कई बार उस चीज़ को वहाँ पे देख चुके हैं। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं, एक बाबा हैं जो आप अघोरी बाबा कह सकते हैं। दोस्तों, अघोरी बाबा के पास हम चल रहे हैं, उनको भी लेके। अभी रात का 10:30 बजने वाला है, 10:30 बज रहा है। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं बाबा के पास, उन बाबा को लेके वहाँ पे चलेंगे, क्योंकि अभी वहाँ राजभाई भी पहुँच जाएंगे 11 बजे तक। हम अभी चल रहे हैं बाबा को जी को लेके वहाँ पहुँचेंगे। अभी हम यहाँ पर निकल रहे हैं क्योंकि अभी 10:30 बज रहा है। हम लोग वहाँ अभी हम लोग 11:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है। दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बाबा को लेके, उसके बाद वहाँ पर हम चलेंगे। अनु भाई, कैमरा बंद कर दो, क्योंकि अभी हम लोग बाबा जी को लेके उसके बाद वहाँ पर चलेंगे, ठीक है भाई। हम रास्ते में बाबा जी को ले लिए हैं, उसके बाद हम आगे भी निकल रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। आप वो कहाँ पे हो, किस लोकेशन पे हो, किस जगह पहुँचे हो? जस्ट उस बच्चे जहाँ बच्चे दिखाई दे रहा दो बार, हाँ, उस जगह जंगल के जस्ट पास में है। जंगल के पास पहुँच चुके हो आप? यहीं पर गाड़ी सीधा यहीं पे लेके आ जाना। हाँ, हम निकले हैं, बाबा जी को साथ में लिए हैं अपने। हम जस्ट वहीं पे आ रहे हैं, उस लोकेशन पे जहाँ आप मैं भेजो। हाँ, टाइम लगेगा, अभी जो भी लग जाएगा। ठीक है, हम निकल रहे हैं, से भी आ रहे हैं। दोस्तों, हम बाबा जी को लेके, अभी राज भाई का फोन भी आ चुका था। आप देखते हैं, बाबा जी को पहले दिखा दीजिए। हम अभी यहाँ पे 11 बजने वाला, दोस्तों, बाबा जी के साथ। अभी हम राज भाई का फोन भी आ चुका है, वो लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं, और हम और साथ में बाबा जी वहाँ पर चल रहे हैं। जो हम अभी आपको बताए कि वहाँ पर जो बच्चा है उसको हम लोग क्या करना है, भी बाबा जी भी जो भी करेंगे, हम लोग भी वहाँ पहुँचे हैं। अनुज भाई, कैमरा बंद कर दो, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ही फिर वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है? बंद करो अभी। हेलो हेलो, हेलो, ओ राज भाई, आप ही है ना, वो सामने दिख रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, राज भाई, राज भाई यहाँ पे खड़े। हाँ भाई, बाबा जी आ गए। हाँ, बाबा जी को हम साथ में अभी पहुंचे यहाँ पे, ठीक है, लेके आओ। यहीं से चलना है अभी? हाँ, यहीं से। बाबा जी आइए, बाबा जी इधर आइए, इधर आइए बाबा जी, देखा। आनंद रहो बेटा, आनंद रहो, आनंद रहो। क्या समस्या है बेटा, बताओ जरा। बाबा जी, क्या है यहाँ पे? इसके अंदर ही एक बच्चा है, जिसे एक शैतान, यहाँ पे एक शैतान है। हाँ, समझ गया समझ गया। उसके आगे बताओ क्या है। काफी दिनों से बच्चा परेशान है, और वो शैतान उसी बच्चे को अपने कब्जे में लेकर रखा है। हाँ, और उसी को थोड़ा, क्योंकि ताकि ऐसा क्रिया करो कि वो बच्चा शैतान से छुटकारा पाए। ठीक है बेटा, मैं उसको बुला रहा हूँ अभी, वो आएगा, आप सब लोग के सामने मैं दिखाता हूँ कि क्या है वो।
पहले हम लोग को वहाँ पर चलना पड़ेगा कि यहीं पे सब सिस्टम हो जाएगा? अब यहाँ बुलाएंगे उसको। अच्छा, यहाँ बुला करके आप सब लोग के सामने दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। एक काम करो ना, ऐसे करते हैं ना कि अंदर ही चलते हैं। चलो अंदर ही चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को कई बार दिखाई दिया था। हाँ हाँ, वहाँ तो सबसे अच्छा पड़ेगा। चलो, और वहीं पे बताते हैं जो शैतान है, जो मारा गया है, हाँ, जो आदमी को मार कर दफन किया गया था, हाँ, हाँ, उसकी जो मृत शरीर है, हाँ, कहीं पर उसे दफन भी किया गया है। हाँ तो देखेंगे ना हम। चलो, क्योंकि काफी साल हो गया है ना, तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जो उसकी रूह है, हाँ, उसकी आत्मा दिखाई देती है। हाँ तो जरा चलो दिखाओ कहाँ है, हम भी देखें। जहाँ पीछे पहले वो बच्चा कैप्चर हुआ था, जो भी शैतान जो भी है, उस जगह पे चलो। हाँ उस जगह चलो, चलो हो सकता है वो जो कब्र हो उस वहीं पे वो बच्चा दिखाई दे। हाँ तो चलो हमको जरा दिखाओ। तो कोई आवाज़ एक काम करते हैं, पहले वीडियो को हम बंद करते हैं। हाँ पहले अपना समझ गए। इसके बाद वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि बाबा जी जैसा बोलते हैं हम लोग वहाँ पे वैसे ही करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ भी है उस बच्चे को बचाना ही हम लोग का मकसद है यार। क्योंकि बच्चे को अगर हम नहीं बचाते हैं, वो भी एक परिवार का किसी परिवार का एक बच्चा है यार। अगर कुछ भी ऐसा चीज होता है उस बच्चे के साथ गलत होता है यार, वो ठीक नहीं यार। इसीलिए हम गुरु जी को बुलाए हैं, बाबा जी को हम बुलाए हैं, और बाबा जी कोशिश करेंगे। बाबा जी ठीक हो सकता है बच्चा? अरे वाह, बच्चा वो ऊपर वाले की महिमा है, हम क्या कर सकते हैं? जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, हमारा जो कोशिश है हम कर सकते हैं भाई। बचाने और मारने वाला तो ऊपर वाला है ना बच्चा। ठीक है बाबा जी, हमारा क्या है कि हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं। नहीं नहीं सही बात है। चलो हमें दिखाओ जरा। दोस्तों बाबा जी की यही कहना है कि हम सिर्फ वो क्रिया कर सकते हैं, हाँ, वो कर्म कर सकते हैं जिससे बच्चे ठीक हो सकता है। हाँ हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि वो ठीक ही हो जाएगा, हाँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाबा जी तंत्र विद्या में काफी निपुण है, काफी इनका जो विख्यात है यार, सारे इलाकों में इनको लोग एक तांत्रिक बाबा के नाम से जानते हैं। इसलिए हम इन्हों को यहाँ पे बुला रहे। अभी हम आपको बताते कि हम यहाँ पे लगभग 12 बजने वाला है यार, 40 मिनट हो गया, बाबा जी लगातार कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं यार, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी चीज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि कुछ चीज ऐसा हो कि हमको भी महसूस हो कि हम लोग इतना देर हो गया यार, यहाँ पे कम से कम एक घंटा ज्यादा हो गया है। 40 मिनट कंफर्म 40 मिनट। और टाइम हम आपको भी दिखा दे रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है यार। एक काम करो भाई साहब, अब तुम सब लोग जरा बाजू हटो, आत्मा वहां से अभी चल दी। हाँ अभी आ रही आ रही, अभी बाजू हटो जरा, थोड़ा बाजू हट जाओ, दूर 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 एकदम दूर 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 जाओ बाबू जी, दूर हो जा रहा है। हाँ बस थोड़ा दूर हो जाओ, दूर से चल दी है अभी, दूर जाओ। क्या मालूम, मतलब एहसास हो रहा है? हाँ एहसास हो रहा है, अभी वहाँ से चली है, बस आते ही होएगा, दिखाता हूँ आप सब लोग का आत्मा क्या है। हम लोग इतने देर हो गए, अभी अभी बाबा से बोले, अरे लगभग 40 मिनट हो गया यार, अभी तक नहीं बोले कि अभी बोले। अभी बैठे रहो, आवाज बंद करो, थोड़ा लंबे लंबे हो जाओ, अभी आत्मा वहां से चली है आ रही है, रुक जाओ दिखाता हूँ आत्मा क्या है। चल जल्दी आगे अपने थाने पवाने पर बैठ। आ रहा है कि नहीं बोल, कभी इस मंत्र का जाप कर रही है, आ रहा है कि नहीं बोल रहे हैं। देखो भाई आ रहा है, जरा सावधान हो जाओ, पीछे हट जाओ सब लोग, पिछड़ो भाई पिछड़ो पिछड़ो। अभी आ रहा है, देखो आत्मा कैसे आ रही है, आप लोग को सामने दिखाऊंगा मैं। चलो वही लड़का आएगा ना बाबा? हाँ वही आएगा, चल रहा है जल्दी आ जा, आवाज आई बस एक बार से। आ रहा है कि नहीं? चल देखो आ रहा है अभी, चलो आवाज आ रही, क्लियर आवाज आ रही है, क्लियर। अरे यार चल,
जल्दी चल आ जा अपने थाने पे आ जा बस चलो आ जाओ अपने थाने पवाने पे बैठो चलो चलो उधर से आ रहे हैं अभी दिख नहीं रहा है लेकिन आवाज आ रही है ना देख रहे हो सुन रहे हो तुम सब लोग अभी आत्मा आ गई है थोड़ा दूर और थोड़ा इंतजार करो हमला करता है यार तुमको पता नहीं क्या जरा ये हमला करता है जरा थोड़ा बहुत जिंद है जिंद बाबा जिंद है जिंद का नाम सुना है जरा बाजू हटो आ जा आ जा आ जा आओ आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ आ जाओ चलो अरे यार ओ दिख रहा है चलो पीछे आ जाओ आ जाओ एकदम क्लियर दिख रहा है अभी तो कुछ भी आवाज मत करो रहो तुम सब लोग शांत रहो आ रही है देखो चलो बाप देखो आ गई आत्मा बाबा ये तो कोई लड़का है बाबा अरे आत्मा है लड़का नहीं उसके शरीर में आत्मा का प्रवेश है अभी देखो आ रहा है देखो भाई यही है हाँ ये तो कोई लड़का है छोटा सा आई पीछे 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 बाबा थोड़ा दूर ही रहना देखो दिख रहा है कि नहीं ये बाप रे बाप ना भयानक देखो कितना भयानक शैतान है बाबा जी देखना जिंदा है जिंदा जिसको कहते हैं हम अघोरी है अघोरी बाबा अघोरी तुम्हारे ऐसे जिंद बंद को मैं क्या यही अंगार में भस्म करूंगा बस शांत नहीं होएगा हाँ भगवान बस हो जा आ जा आ जा देखो बाबा देखो देखो भाई देखा क्या वो बाबा जी को भाग गए थे भाग गया तो उसको मैं फिर बुलाऊंगा मैं भी अघोरी हूँ मेरा नाम अघोरी बाबा है अंदर गया अभी देखो आएगा फिर उसको बुलाता हूँ काफी भयानक है तू आप सब लोग के सामने काफी खतरनाक है जिस तरह से हम लोग भी कच्चे को उसको वाकई में वो दिल दिल धड़ा देने वाली आग को भी यार लात मार के निकल तुम मार जाएंगे देखो बाबा फिर आ रहा है जरा बाजू हटो पीछे जाओ पीछे जाओ सब लोग हटो हटो चलो बाबा चलो आ जाओ चलो काफी भयानक है बहुत बड़ा शैतान है बाबा चलो बाबा चलो आ जाओ आ रहे हैं चला है भाई अभी वो फिर आएगा देखो दिखाता हूँ तुम सब लोग को काफी भयानक है यार बाबा क्या ठीक हो सकता है कि नहीं ठीक हो सकता है ठीक होएगा भाई मगर उसको टाइम लगेगा काफी ताकत काफी पावरफुल बहुत पावरफुल बोलेगा तो जिंद है जिंद जिंद इतना जल्दी नहीं छोड़ता शरीर को बच्चा ठीक हो जाएगा मगर उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा चलो देखो कैसा आवाज आ रहा है देख रहे हो ना आओ बाबा जी काफी मुट्ठी में कुछ रगड़ रहे हैं वैसे उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ उस अपनी तरफ खींच रहे हो कुछ तंत्र विद्या तंत्र विद्या कुछ कर रहे हैं ना इसलिए वो देखो वहां से चिल्ला रहा है जैसे तकलीफ हो रहा है ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे काफी शांत हो गया
बाबा जी कुछ करिए, आएंगे आएंगे आएंगे, रुक जाओ जरा बाबा जी, कुछ हम भी अघोरी हैं। चलो आवाज 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 आ रही है, चलो आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, सख्ती से काम लेना पड़ेगा भाई। काफी खतरनाक आवाज लेकिन उसकी आ रही, काफी सब भयानक लग रहा है उसकी जो आवाज है। आ जाओ आ जाओ बाबा जी, आओ अभी। देखो आवाज आ रही भाई, सुनाई दे रहा है तुम सब लोग को? काफी खतरनाक आवाज है। अरे वो जिंद की आवाज है, जिंद की। देखो बहुत बहुत खतरनाक शैतान है। आओ आओ, तुम्हारे लिए ही मैं बैठा हूँ, आ जाओ। उधर सारी आ रही है। आओ चलो, देखो झाड़ कैसा तोड़ रहा है, देखो आ रहा है, देखो झाड़ उखाड़ लिया पूरा। झाड़ को क्या कर रहा है, उखाड़ रहा है? देख लो, झाड़ से भी ताकत उसको ज्यादा है। देख लो इतना बड़ा शैतान तुम सब लोग के साथ दिखा रहा हूँ, देखो आ रहा है, अभी दिखेगा तुम सब लोग को। चलो इधर आ जाओ, यही अंगार में बूट डालूंगा, याद रख लेना, नहीं तो जैसा बता रहा हूँ उसी में भस्म करूंगा तुमको। बाबू देखना खतरा ना कर दे कुछ। ओ, देखता हूँ, आने तो दो पहले। चलो बहुत नाटक हो गया, आ गया एकदम पास में आ गया, अभी नाटक नहीं चलेगा, चलो आ रही। बाप रे, देखा बच्चा आया कि नहीं? भाई पीछे आना, सब लोग पीछे आ जाओ, चलो इधर आओ आओ आओ, चलो चलो इधर इधर बैठो, चलो चलो बोल दे रहा हूँ, चलो यार बस बस बस, इधर बैठ जाओ, इधर बैठो, उधर बैठ जाओ। उधर बैठो, उधर बैठ जाओ, उधर 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 बोलो, उधर बैठ, उधर बैठ, उधर बैठ जा।
अब उठ जाएगा, होश में आ गया। देखो आओ तुम सब लोग। अब कुछ मतलब दिक्कत नहीं है न? दिक्कत इसको कुछ नहीं है, इसके ऊपर से तो आत्मा छोड़ दी है, मगर आत्मा यहीं रहेगी। अभी भाई तुम सब लोग आगे का क्या उसका मांग दान है कल परसों में देखेंगे, वो तो देना पड़ेगा आप सब लोग को। बच्चा तो आपका भी ठीक हो गया, बच्चे को कुछ नहीं होएगा, मगर भाई कल का जो है जो मतलब, मांगेगा उसको देना मतलब पड़ेगा। जो वो शैतान है या जो जिन है उसे कुछ चढ़ावा भी देना पड़ेगा, इसका मतलब ये है ना? नहीं बाबा, जिंदा है उसको चढ़ावा देना पड़ेगा, तो कुछ क्रिया करना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए क्रिया कर्म तो करना पड़ेगा, तभी तो चढ़ावा चढ़ेगा। मतलब वो जड़ से खत्म हो जाएगा, उसे जला दोगे कि? उसको भस्म कर देंगे इसी अंगार में। अच्छा, आग में उसको भस्म कर दोगे? हाँ, भस्म कर देंगे। मतलब तब उसके बाद वो किसी को भी, किसी को आत्मा का नहीं, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये बच्चे को क्या करें भी यहाँ से? अभी ये बच्चा ठीक हो गया है, इसको लेके चलो, कल फिर उसको देखा जाएगा, आत्मा को बुलाया जाएगा, आत्मा क्या मांगता है उसको दिया जाएगा। अभी तो आपका बच्चा लेकिन, लेकिन लोगों ने जो बताया बाबा जी कि यहाँ पे जो वो आत्मा है, हम आपको बता दें फिर से कि जो वो आत्मा है, कई बार कई तांत्रिक अभी आए यहाँ पे और उसे आज तक भी कोई भी तांत्रिक खत्म नहीं कर पाए हैं। एक बात बताऊं बच्चा, सब तांत्रिक ओझा सोखा नहीं, मैं अघोरी हूँ, अघोरी। आप खत्म कर देंगे इसे? इसको खलास कर दूंगा। चैलेंज के साथ? चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। तो मतलब कुछ क्रिया करना पड़ेगा उसके वो लिए? तो भाई करना पड़ेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप उसे जला दोगे, भस्म जला कर दोगे? देंगे है, आपके सामने भस्म कर दूंगा। तो आज के मतलब उसके बाद वो कभी किसी को भी परेशान नहीं करेगा? किसी को नहीं, इस बच्चे को नहीं परेशान करे, किसी को मैं जिम्मा नहीं लिया हूँ। नहीं, भस्म होने के बाद? भस्म होने के बाद हो, जब उसका हो जाएगा तब दे पूछना। अभी तो भाई बच्चे, बच्चा आपका ठीक हो गया, बोल रहे हैं कि जला देंगे उसको। हाँ। खत्म कर देंगे फिलहाल। अभी आपका बच्चा ठीक हुआ, सब मिला जुला के हम आपको बता दें यार कि जो बाबा का कहना है कि हम बच्चे को तो ठीक कर चुके हैं, बच्चे को कुछ आराम हो चुका है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो जो शैतान है, जो जिन है, वो अब यहाँ से भाग जाएगा या अब दूसरों को नहीं पकड़ेगा, दूसरों को नहीं परेशान करेगा। बाबा का जो कहना है कि उसके लिए हमें विधिवत कुछ तंत्र क्रियाएं फिर से करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ चीजें, कुछ सामान जो उसके लिए होता है उसे लाना पड़ेगा, उसे आग मतलब उस अग्नि में उस जिंद को जला देंगे। और मंत्र द्वारा मैं उसको भस्म कर दूंगा, जला देंगे, मतलब उसको जला देंगे। इसके बाद वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा जो कुछ भी है, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया है, हम आपको टाइम दिखा दे, क्योंकि ये जो सब क्रिया था 12 बजे के पहले ही करना था, क्योंकि 12 बजे के बाद ऐसी जो शक्तियां होती हैं, ऐसी जो चीजें होती हैं काफी पावरफुल हो जाती है, उन्हें कंट्रोल करना या उन्हें जलाना या उसे ठीक करना, गूगल टाइम दिखा दो, उन्हें ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गूगल टाइम हम आपको दिखा दे टाइम कितना हो रहा है इसमें, गूगल टाइम इंडिया साढ़े ग्यारह पूरा एकदम साढ़े ग्यारह बज रहा है, बंद करो, राइट टाइम एकदम ग्यारह बजे इस बच्चे को हम लोग ले चलते हैं सेफ्टी में। गूगल टाइम इंडिया ग्यारह बज के 31 मिनट, ज्यादा समय हम लोग के पास नहीं है, सिर्फ आधे घंटे से इस जंगल के अंदर बाहर जाना पड़ेगा भाई। बाबा जी क्योंकि इस बच्चे को हम लोग, इस बच्चे को आप सब लोग उठाओ, वीडियो बंद कर लो अभी, अभी इसको बच्चों को उठा करके आप ले जाओ घर पे जी। अभी कल क्या है क्या चाहिए वो हम बताएंगे, उस हिसाब से लिखाएंगे, तब मैं क्या बताता हूँ आगे प्रोग्राम किया जाएगा। चलो ठीक है, क्योंकि 12 बजे के पहले ही हमें ये जंगल छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि जो शक्ति बताते हैं उसके बाद हो सकता है फिर से ये बच्चे के अंदर ना आ जाए।
चलो देर में चलो काम करो, नहीं तो वीडियो बंद करो, सीधे हाथ से लेके निकलते हैं।